नमस्कार दोस्तों, क्राउड वन में आप सभी लोगों का स्वागत है। डीपीएन में जिन लोगों ने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लें, बहुत जरूरी है रजिस्ट्रेशन करना। इसके ऊपर पहले से ही मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, डीपीएन में रजिस्ट्रेशन करते समय कई लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास कई लोगों ने कमेंट किया है, मैसेज भी किया है। डीपीएन में रजिस्ट्रेशन करते समय कई लोगों ने कई सारी गलतियाँ किया है, या क्राउड वन में रजिस्ट्रेशन करते समय या सीमन रिवार्ड में स्वैप करने का जो ऑप्शन आया था उसमें भी रजिस्ट्रेशन करते समय कई लोगों ने बहुत सारी गलतियां किया है। किसी ने नाम में गलती किया है, किसी ने ईमेल आईडी गलत डाल दिया है। तो इस प्रकार ढेर सारी गलतियां लोगों ने किया है जिसकी वजह से डीपीएन में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है या डीपीएन में केवाईसी नहीं हो पा रहा है। कई लोगों की केवाईसी करने में भी दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डीपीएन में केवाईसी करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सलूशन क्या है और उसको किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, YouTube पे पहले से मैंने इस पे वीडियो बना रखा है कि डीपीएन अकाउंट का केवाईसी कैसे करें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख सकते हैं और डीपीएन अकाउंट में अपनी केवाईसी कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही है, वो सारा चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। डीपीएन में केवाईसी बहुत सारे लोगों का बहुत ही आसानी से हो जा रहा है, बहुत ही इजीली हो जा रहा है, जबकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका केवाईसी नहीं हो पा रहा है। उसमें कुछ न कुछ इरर दिखा रहा है, कुछ न कुछ दिक्कत आ रही है। क्या सलूशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डीपीएन के केवाईसी करने में जिसको भी दिक्कत आ रही है, यहाँ से बहुत ढेर सारे लोगों ने मैसेज किया है, कमेंट किया है, वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं डीपीएन में रजिस्ट्रेशन करते समय या केवाईसी करते समय जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सलूशन क्या है। देखिए दोस्तों, डीपीएन में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमको जो भी शेयर मिलेगा डीपीएन के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट को डीपीएन के थ्रू ही शेयर में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए डीपीएन में रजिस्ट्रेशन करना या डीपीएन में केवाईसी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सिर्फ एक ही सलूशन है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद डीपीएन के सपोर्ट टीम से बात किया है और उन लोगों ने यही कहा है कि सिस्टम में काफ़ी लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, काफ़ी लोगों के केवाईसी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो आने वाले समय में सबकी दिक्कतें ये ठीक हो जाएंगी। और जिन लोगों को भी ये दिक्कत आ रही है, चाहे केवाईसी करने में या रजिस्ट्रेशन करने में, उन लोगों को डीपीएन के सपोर्ट टीम से बात करनी पड़ेगी, उनको ईमेल करना पड़ेगा, जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनके सामने रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, डीपीएन के सपोर्ट टीम का ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ईमेल आईडी लेके डीपीएन के सपोर्ट टीम से बात करिए और अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने रखिए, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, डीपीएन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सिर्फ एक ही सलूशन है कि आपको डीपीएन के सपोर्ट टीम से बात करनी चाहिए, उनको ईमेल करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने रखना है। इसके सिवा दोस्तों कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है। सो दोस्तों, आप जितना जल्दी हो सके डीपीएन के सपोर्ट टीम से कनेक्ट करें, उनसे ईमेल करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।